हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर हब में फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मर्चेंट नेवी डिपार्टमेंट के बारे में और रैंक्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। दोस्तों, मर्चेंट नेवी शिप पर तीन तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट और केटरिंग डिपार्टमेंट, और के काम भी अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात हम करेंगे डेक डिपार्टमेंट के बारे में और उनके काम के बारे में और रैंक के बारे में। दोस्तों, डेक डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो नेविगेशन करना और जो भी ऑनबोर्ड कार्गो ऑपरेशन रहेगा, चाहे लोडिंग हो या अनलोडिंग हो, वो सारा का सारा डेक डिपार्टमेंट ही देखता है। और जो भी डेक मेंटेनेंस हो, वो सारा का सारा डेक डिपार्टमेंट का ही काम होता है। और अब बात करते हैं इसके रैंक के बारे में। तो दोस्तों, डेक डिपार्टमेंट में भी दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, ऑफिसर लेवल और रेटिंग लेवल। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिसर लेवल में। ऑफिसर लेवल में सबसे पहले रैंक जो आता है वो आता है आपका डेक कैडेट। डेक कैडेट के बाद आता है आपका थर्ड ऑफिसर, इसके बाद आता है सेकेंड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर के बाद आता है आपका चीफ ऑफिसर, और चीफ ऑफिसर के बाद आता है आपका कैप्टन। ये तो कैसे हो गई ऑफिसर लेवल की। अब बात करते हैं हम रेटिंग लेवल में। जीपी रेटिंग करके अपना डेक साइड से पहला शिफ्ट ज्वाइन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जो रैंक मिलेगा वो मिलेगा ट्रेनिंग ओएस, यानी कि ट्रेनिंग ऑर्डिनरी सीमैन। गाइस, इसके बाद जो आपको प्रमोशन लेना होता है वो आपको अपना सी सर्विस कंप्लीट करके 9 to 12 मंथ का सी सर्विस कंप्लीट करने के बाद जब आप वॉचकीपिंग के लिए अप्लाई करते हो और वॉचकीपिंग निकलने के बाद आपको जो प्रमोशन मिलता है वो मिलता है ऑर्डनरी सीमैन। आपके रैंक से ट्रेनिंग हटा दिया जाता है। उसी तरह गाइस, आप जब वॉचकीपिंग के बाद 9 to 12 मंथ का सी सर्विस कंप्लीट करते हो और सीओपी के लिए अप्लाई करते हो, सीओपी निकलने के बाद गाइस आप बन जाते हो एवल बॉडी या बोसन। ये डिपेंड रहता है आपको आपकी कंपनी की आपको कौन सा प्रमोशन दे रही है, एवी या बोसन का। यह काम पर भी आपके काम पर भी डिपेंड रहता है। तो गाइस, ये तो हो गया डेक डिपार्टमेंट के बारे में। अब बात करते हैं हम इंजन डिपार्टमेंट के बारे में। तो गाइस, इंजन डिपार्टमेंट में भी दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, ऑफिसर लेवल और रेटिंग लेवल। ऑफिसर में सबसे पहले रैंक जो आता है वो आता है TME, ट्रेनिंग मैरिन इंजीनियर। इसके बाद आता है गाइस आपका जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर के बाद आता है फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर, और सेकेंड इंजीनियर के बाद आता है आपका चीफ इंजीनियर। ये तो गैस होगी ऑफिसर लेवल। अब बात करते हैं हम रेटिंग में। तो रेटिंग लेवल में गैस, जब भी आप जीपी रेटिंग करके इंजन साइड से अपना पहला शिफ्ट ज्वाइन कर रहे हो तो आपको जो रैंक मिलेगा वो मिलेगा ट्रेनिंग वाइपर। ट्रेनिंग वाइपर बनने के बाद गैस आपको जो प्रमोशन मिलता है जब आप 9 to 12 मंथ का सी सर्विस कंप्लीट कर लेते हो और जब वॉचकीपिंग के लिए अप्लाई करते हो, आपके पास वॉचकीपिंग आ जाता है तो आप बन जाते हो वाइपर, आपको प्रमोशन मिल जाता है। उसी तरह गाइस, जब आप 9 to 12 मंथ का वॉचकीपिंग के बाद अपना सी सर्विस कंप्लीट करते हो, उसके बाद सीओपी के लिए अप्लाई करते हो, सीओपी मिलने के बाद गाइस आप बन जाते हो ऑयलर या मोटरमैन। और ये गाइस होगी इंजन डिपार्टमेंट के रैंक के बारे में। अब बात करते हैं हम इंजन डिपार्टमेंट के काम के बारे में। तो गाइस, इंजन डिपार्टमेंट का जो काम होता है ऑनबोर्ड जो भी मशीनरी है, चाहे मेन इंजन हो या ऑक्सिलरी इंजन हो, पंप्स हो, मोटर, जो भी मशीनरी है उसका मेंटेनेंस करना इंजन डिपार्टमेंट का काम होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे केटरिंग डिपार्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों, केटरिंग डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो खाना को रेडी करना और सर्व करना होता है जो भी क्रू ऑनबोर्ड रहता है। इसमें जो डिपार्टमेंट होता है गाइस होता है चीफ कोक, सेकंड कोक और दो या तीन मेस बॉय रहते हैं, इतना ही डिपार्टमेंट होता है इसका। और गाइस, जो भी मैंने आपको रैंक बताए उन सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है, चाहे ऑफिसर हो या रेटिंग हो, सबकी अलग अलग ड्यूटी रहती है। और गाइस, इसके बाद आपका अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।